हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए डैटसन गो प्लस का शोरूम लुक विद एक्सटीरियर्स एंड इंटीरियर्स। जैसा कि देख रहे हैं हमेशा की तरह, इस बार मैं अलग थोड़ा इंटीरियर शुरू कर रहा हूँ पहले, फिर एक्सटीरियर दिखाऊंगा आपको इसके। तो अभी आप देख रहे हैं इसका फ्रंट कंसोल, फ्रंट डैशबोर्ड, तो ले चलता हूँ पास में। इसमें आपको मिल जाता है यहाँ पे किलोमीटर, आपका स्पीडोमीटर मिल जाता है, उसके बाद ये जो आपका आरपीएम मीटर है वो इसको शिफ्ट कर दिया डिजिटल फॉर्म में, आपको छोटी सी स्क्रीन में यहाँ मिल जाता है। पेट्रोल एम्प्टी फुल यहाँ से देखने को मिल जाता है आपको। उसके अलावा छोटे मोटे सिग्नल्स जो आपके हैंड ब्रेक वगैरह के, वो इधर मिल जाते हैं आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं साइड में, ये जो एक सिल्वर लुक पे दिया गया है, बहुत ही यूथ सेंट्रिक और काफ़ी फ्लैशी लग रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है देखने में, स्पोर्टी लुक दे रहा है कार को फ्रंट से अंदर से। तो उसके अलावा अब ले चलता हूँ आपको इसकी स्टेयरिंग दिखाता हूँ कैसी है। तो एक डैटसन आप जैसे जानते हैं कि एक मिडिल क्लास के लिए, एक आम आदमी के लिए एक ब्रांड लॉन्च किया है, निसान का ही सब ब्रांड है डैटसन, जिसमें कि एक आम आदमी भी अपनी सपनों की कार खरीद पाए। तो इसलिए डैटसन को लॉन्च किया गया है अफोर्डेबल रेंज के लिए। तो उसकी स्टेयरिंग उसी हिसाब से है। तो जैसा क्या मिले, आपको सिंपल इसमें हॉर्न मिलता है, जो इसका मॉडल जो मैं कर रहा हूँ इसमें आपको एयरबैग नहीं मिलता, जो और मॉडल आता है उसमें आपको एक ड्राइवर साइड एयरबैग मिल जाता है। चलते हैं इसके मिडिल में, दिखाते हैं मिडिल में आपको क्या मिलता है। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक बिल्कुल फ्लैशी ब्लैक सरफेस पे ये पूरा सिस्टम दिया गया है यहाँ पे। यहाँ आपको मिल जाते हैं दो एसी वेंट विद सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर बॉर्डर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और उसके अलावा आप देख रहे हैं जैसे इसमें कोई एक इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, उसकी जगह आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे, आपको मिल जाता है मोबाइल होल्डर, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑक्स से म्यूज़िक वगैरह सुनने के लिए। उसके अलावा यूएसबी मिल जाता है आपको पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करने के लिए उसमें आपको। उसके बाद आपको ये पावर बटन मिल जाता है ऑन ऑफ, और वॉल्यूम बटन मिल जाता है इधर। नीचे आते हैं तो आपको यहाँ मिल जाते हैं सारे आपके एसी कंट्रोल्स वगैरह, ब्लोअर कंट्रोल्स वगैरह। उसके बाद और नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक 12 वोल्ट का सॉकेट, जिससे अपना आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। हैंड ब्रेक थोड़ा अलग स्टाइल से दिया गया है इसमें, जैसे देख रहे हैं आपको यहाँ पर हैंड ब्रेक मिल जाता है, जैसे कि ये आपको पुश करना है, ये आपका हैंड ब्रेक हो गया है यहाँ पर। और अब इसका गियर जो है वो सर बता देता हूँ आपको मैं, ये एक 5-speed गियर बॉक्स मॉडल है विद रिवर्स है। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, बिल्कुल एक बहुत ही स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की गई है कार को विद मिनिमलिस्टिक फीचर्स। तो एक जैसे कि अपना मोबाइल कनेक्ट करके आप सब कुछ इसमें कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर का लुक दे देता हूं आपको, काफ़ी चौड़ा है, अच्छा है, काफ़ी सामान भी आप ऊपर अपना रख सकते हैं। अब चलते हैं ग्लव बॉक्स, तो इसमें कोई स्पेशल एक ओपनिंग नहीं दी गई ग्लव बॉक्स के लिए, आपको ओपन ग्लव बॉक्स मिल जाता है यहाँ पे, और सामान वगैरह इसमें आप अपना आराम से काफ़ी सामान इसमें आपका आ जाएगा विद पेपर्स ऑफ द कार एंड अदर थिंग्स। इसके अलावा आपको इसका मिडिल में दिखा देते हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, पूरी सीट जॉइंट है इसमें पैसेंजर और ड्राइवर और को पैसेंजर की। तो चलते हैं पीछे, पीछे से दिखाते हैं आपको पीछे इसमें कैसी जगह मिलती है बैठने के लिए और क्या फीचर्स मिल जाते हैं पीछे, कुछ है इसमें आपके लिए कि नहीं है, कि नॉर्मल सीटिंग खाली दी गई है। तो लेट्स गो टू बैक ऑफ द कार एंड सी व्हाट स्पेस डू यू गेट फॉर द रियर पैसेंजर्स। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ कार के पीछे, और आप देख रहे हैं जैसे कि पीछे भी आपको अच्छी खासी जगह मिल जाती है। ये जो आपका डैटसन की जो रेडी गो है उसी का एक्सटेंडेड व्हील बेस वर्जन है ये। तो आप देख रहे हैं पीछे भी आपको इसमें काफ़ी, अभी मैं डैशबोर्ड बूट आपको पीछे से भी दिखाऊंगा, उसकी वजह से ही आपको ये जगह मिल जाती है काफ़ी यहाँ पे, और काफ़ी स्पेशियस फील होता है कार में। इसके बाद मैं आपको कभी ना कभी आपको रेडी जो इसका छोटा मॉडल है गो, ये गो प्लस है गो, उसका भी रिव्यू करूँगा मैं, वो भी दिखाऊँगा वो कैसी है अंदर से। तो पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी ठीक ठाक रूम स्पेस है, आपको अच्छा हेड स्पेस भी मिल जाता है इसमें। तो पैसेंजर के लिए, पीछे वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग रूट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एक बजट फ्रेंडली कार है एक, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं इसमें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखते रहिएगा ज्ञानी इनफ। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको, मैंने बोल तो दिया ये, लेकिन मैं फिर भी आपको इसका एक्सटीरियर लुक भी दिखा देता हूँ, और बाहर चलते हैं, बाहर से इसका एक्सटीरियर लुक देख लेते हैं, फिर मैं आपसे विदा लूँगा अगले वीडियो के लिए। तो पहले चलते हैं बाहर का लुक देख लेते हैं कैसा है बाहर का। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि हम लोग निसान के आउटर लुक में एक्सटीरियर दिखा रहा हूँ आपको, डैटसन गो प्लस का। तो ये हम लोग इसका बैक दिखा रहे हैं, अभी मैं इसका आपको बूट भी दिखाऊँगा। नीचे आपको ये क्रोम हाईलाइट पर पूरा इसका हैंडल मिल जाता है बूट खोलने के लिए, इसको मैं खोलूँ तो अभी यहाँ पे जो ये, इसको आप एक तरीके से चाइल्ड सीट बोल सकते हैं क्योंकि ये एक्सटेंडेड व्हील बेस वर्जन है, तो उस हिसाब से तो बूट स्पेस बिल्कुल नहीं है। और इसको शायद आप जब फोल्ड कर लें, या अगर ये फोल्ड हो पाए तो आप शायद अपना सामान वगैरह यहीं पे रख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने ये सीट फोल्ड कर दी है, उसके बाद अपना आप ये सामान वगैरह लगेज रख सकते हैं यहाँ से। मुझे भी एग्जीक्यूटिव ने बताया है यहाँ पर, ये इसका लीवर दिया गया है यहाँ से, ये आप लीवर अगर देख पा रहे हो, इससे आप फोल्ड करके काफ़ी स्पेस जनरेट कर सकते हैं इसके बूट में। तो बूट बंद करते हैं, चलते हैं साइड में, इसका साइड लुक देख रहे हैं आप। इसे देख रहे हैं बैक लाइट बहुत ही स्टाइलिश दी गई है गो प्लस का, ये जो लोगो दिया गया है एक प्रिंटिंग बैच पे, बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। और मैं इसका आपको साइड दिखा रहा हूँ,
साइड से आप ये देख रहे हैं तो एक्सटेंडेड व्हील बेस वर्जन है, तो बड़ी लग रही है देखने में गाड़ी, और एक अच्छी खासी 5 लोगों की फैमिली या 4 लोगों की फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा स्पेस मिल जाएगा आपको इसमें। ये इसका फ्रंट लुक, इसमें भी आपको क्रोम हाईलाइट पे पूरा डैटसन का लोगो और साइड में ग्रिल में क्रोम मिल जाता है। इसके बाद चलते हैं इसकी लाइट की तरफ, तो लाइट आपको नॉर्मल मिल जाती है, प्रोजेक्टर नहीं है। तो दूसरी साइड चलते हैं, व्हील भी इसमें आपको नॉर्मल मिलते हैं, अलॉय व्हील्स नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और तब तक देखते रहिए ज्ञानी इनफ। मैंने पहले भी आपसे बाय लिया था कि मैंने आपको एक्सटीरियर नहीं दिखाया था, तो ये था इसका एक्सटीरियर लुक। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए ज्ञानी इनफ़।